नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ समीक्षा पांडे। उड़ीसा से एक शर्मनाक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। खबर है कि उड़ीसा में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन का दावा करने के लिए रेंगते हुए जाना पड़ा। आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन का दावा करने के लिए स्थानीय पंचायत ऑफिस तक उस महिला को रेंगते हुए जाना पड़ा। वृद्धा महिला को लगभग 2 किलोमीटर तक रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला की दयनीय दशा वायरल होने के बाद उड़ीसा के केंदुझर इलाके की सरकार पर लोग अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। पथुरी देहुरी नाम की बुजुर्ग महिला अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर है, उसके सहायता के लिए कोई नहीं है। आपको बता दें कि अधिक उम्र और पिछली दुर्घटना में विकलांगता के कारण पथुरी ठीक से चल तक नहीं सकती हैं। ऊपर से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कल्याण पेंशन लाभार्थियों के दरवाजे तक वितरित किया जा रहा है या नहीं। 2 किलोमीटर तक मजबूरन रेंग कर चलने के बाद लाचार पथुरी के पैरों, घुटनों और हाथों पर छाले भी पड़ गए। बुजुर्ग महिला ने दर्द भरे शब्दों में बताया कि पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें पेंशन लेने के लिए ऑफिस आने के लिए कहा गया था और कोई सहारा ना होने के कारण उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्हें पंचायत कार्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर तक रेंगना पड़ा। पूछताछ में पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने घटना को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें महिला की इस परेशानी के बारे में नहीं पता था। अधिकारी ने कहा कि पहले वो अपनी पेंशन खुद चलकर ऑफिस आकर लेती थी, लेकिन इस घटना के बाद उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उनके परिवार या हमारे कार्यालय का चपरासी उनकी पेंशन उनके घर तक पहुंचाता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखते रहिए TV24 नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में।